हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, यूक्रेन और रूस के बीच में अभी युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से दोनों दोस्त आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आपका भी कोई न्यूज़ चैनल है और आप अपने न्यूज़ चैनल में इस टॉपिक को कवर करते हो और आप बताते हो कि अगर रूस में ये हो रहा है या फिर यूक्रेन का हालत स्थिति ये है, और आप यूक्रेन और रूस के बारे में न्यूज़ बना करके आप यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करते हो, तो आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होगा। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, आपने सही सुना, यूट्यूब के ऊपर कुछ दिनों के अंदर में ये अपडेट आने वाला है, या फिर हो सकता है आपको भी अपडेट आया होगा। आप जाइए अपने मेल बॉक्स को एक बार चेक करिए, क्योंकि मैं ये हवा हवाई नहीं बोल रहा हूँ, मुझे खुद ब खुद ये मेल आया है और यहाँ पर मैं अपने मेल को लगा लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से पढ़ सकते हो। उसमें यूट्यूब ने साफ साफ कहा है कि अगर आप यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बारे में वीडियो अपलोड करते हो, तो आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा, या फिर आपका चैनल जो अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो आने वाले समय में आपका चैनल उस वीडियो की वजह से मोनेटाइज नहीं होगा। तो अगर आपका भी कोई न्यूज़ चैनल है और आप न्यूज़ चैनल के अंदर में ये चीज़ सोच रहे हो कि यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे युद्ध का फ़ायदा उठा करके मैं अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर अच्छा खासा पा जाऊँगा, तो उसके लिए यूट्यूब ने ये एक सख्त कदम उठाया है। और अगर आप इस तरह का वीडियोज़ बनाते हो रूस और यूक्रेन के बीच में, तो समझ जाओ क्योंकि यूट्यूब आपके चैनल को डीमोनेटाइज भी कर सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा और नॉलेजबल होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो लोग भी अगर इस तरह का वीडियोज़ बनाते हैं तो वो इस तरह का वीडियोज़ बनाना बंद कर दे। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आ चुके सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।